चूँकि वो दुबे जी पर हुआ, तो दुबे जी पर हुआ वहीं से शुरुआत हुई ये बात। लेकिन वो तो कोई दुबे चौबे को तो किए नहीं, किए तो अपराधी को। सही काम क्या, जब हम लोग भूखा मर रहे तो खाई, सही काम का जब पेट नहीं भरेगा तो सब गलत है। और मैं अपनी उम्र में पहली बार मैंने देखा है कि कोई एक सरकार आया जो गली गली में काम कर। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भारत की राजनीति में सबसे अधिक दखल रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है। इस समय हम खड़े हैं बनारस में, हमारे साथ बनारस की जनता है। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार जो चुनाव में जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनने के पक्ष में यहाँ के लोग हैं। चाचा ये बताइए, क्या लग रहा है माहौल बनारस में, कहाँ है, किधर है इस बार? माहौल बनारस में भाजपा का ही है जी। क्या कारण है? कारण है कि जो विकास बनारस का हुआ है ये सैकड़ों साल में नहीं हुआ, न तो होता। उन्हीं के कारण है कि ये इतना विकास बनारस में हुआ है। विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगा रही हैं कि सरकार ठीक से संभाल नहीं पाई है। वो सब गलत आरोप है। आरोप तो हमेशा लगता रहता है। जो सही काम करेगा उन लोगों का विरोध तो करेंगे ही कुछ लोग। तो ये बताइए, जो विपक्ष बोल रहा है कि खेला होगा, समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि खेला हो बे, यहाँ होगा खेला? नहीं, वो तो TMC कर ये खेला होवे। उनकी बात छोड़िए, जो विकास का मतलब कि जो कार्य कर रहा है उसी को जनता सपोर्ट करेगी। इस समय विपक्ष भी अच्छी तरह जानता है कि काम कौन कर रहा है, भली भांति जानता है कि इससे भाजपा काम कर रही है। भाजपा कोई भी हो, काम करने वाला व्यक्ति हो, जैसे नरेंद्र मोदी भाजपा देख कर नहीं आए हैं, काम करने पर आए हैं। उनका व्यक्ति तो इतना बढ़िया है कि वो आ गए और आगे भी चाहेंगे तो वही आएंगे। जो एक जाति का कार्ड खेला जा रहा है कि जो ब्राह्मण हैं वो भाजपा से परेशान हैं, भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो आप लोग बताइए इसमें क्या सच्चाई कुछ देखते हैं? देखिए, जाति की बात तो सदियों से चली आ रही है, जब इंसान नहीं था तब से चली आ रही है। वो कभी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा वो। लेकिन जो भाजपा कर रही है वो केवल जाति या गैर जाति कुछ भी हो, लोग कहें, लेकिन सामने तो कहते हैं विपक्षी, लेकिन पीछे जो विपक्षी भी सपोर्ट करती है भाजपा को। पीछे भी सपा के हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी पार्टियां भाजपा को सपोर्ट करेंगी। काम क्या देखते हैं आप? काम किनवा? जो कार्य 100 साल पहले नहीं हुआ था वो कार्य आज हो रही है। बताइए सर, क्या काम हो रहा है? सर बहुत काम हो रहा है, देखिए आप ही देखने वाले हैं, जितना विकास हो रहा है इतना पहले कभी जीवन में नहीं हुआ आज तक। जो काम नहीं होता था वो काम हो रहा है, बस यही सब होता है। और क्या? और ये जो ब्राह्मण वाला जो राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है, आप ब्राह्मण भी हैं सर, तो ऐसा कुछ योगी विरोध में ऐसा कुछ है? ऐसा है ना कि ये जाति पाति की राजनीति यूपी की जड़ है जी, समझे। और कभी देखते हैं कि किसी को कहीं नुक्स मिल गया विरोधी को तो उसको पकड़ के चलते हैं। चूँकि वो दुबे जी पर हुआ, तो दुबे जी पर हुआ वहीं से शुरुआत हुई ये बात। लेकिन वो तो कोई दुबे चौबे को तो किए नहीं, किए तो अपराधी को। जड़ में अगर जाए तो अपराधी से मुक्त तो यूपी है इस समय, पहले जितना अपराधीकरण था अब नहीं है। दूसरी बात विकास भी है। तीसरी बात, यूपी में सबसे बड़ा समस्या था बिजली का जी, चला जाता था 4-5 घंटे का, वो अब उस समस्या भी खत्म हो गई है। कहीं जाए विभाग में तो बात भी सुनी जाती है। तो आम जनता को क्या चाहिए, यही सब चाहिए या हो रहा है? इसीलिए हम लोगों की सबकी निगाह में तो जो चल रहा है सरकार वो ठीक है, सरकार सही चल रही है जी। योगी जी से कोई समस्या नहीं है किसी? नहीं, इस समय तो नहीं है। बाबा जी आप बताइए, आप कैसे देखते हैं जो क्या देखते हैं? चुनाव में किसका आपको माहौल लग रहा है? अब उसे हम लोग क्या बताएंगे, जब उसमें रहेंगे तब ना बताएंगे। जैसे योगी जी जो मतलब वो तो योगी भी हैं, महंत भी हैं, तो आप लोग के लिए भी कुछ उस तरह का आप लोग देखते हैं कि सही काम आप लोग के लिए अच्छा एनवायरमेंट? सही काम क्या, जब हम लोग भूखा मर रहे तो खाई, सही काम का जब पेट नहीं भरेगा तो सब गलत है। पेट भरता भरेगा तब, और जब पेट खाली है तो कोई योगी या कोई भी नहीं काम करने वाला है। माहौल देखिए, जो काम करेगा उसी का माहौल है। इस समय जो यूपी में काम हो रही है, बहुत से कार्य, सड़कें बन रही है, सीवर का काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, उन्हीं लोग का माहौल है। जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी बोले थे बनारस को क्योटो बना देंगे, क्योटो बना नहीं है, ऐसा बोलते हैं। देखिए, कोई चीज़ बनने में समय लगता है,
तो उसको जब बोले हैं तो कार्य होगा, कार्य हो ही जाए, काम बन नहीं है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, जब बोले हैं तो होगा ही, हो रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं कि काम हो रहा है? हाँ, हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग आपसे देख रहे हैं, ये किसी से कहा सुनी वाली बात नहीं, हम लोग स्वयं देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। आप बताइए। हाँ बोलिए सर, किस विषय में पूछें? जो चुनाव हो रहा है, जो यूपी का चुनाव होने वाला है, जी जी, तो किधर किसके पक्ष में आप लोग को माहौल लग रहा है कि बीजेपी फिर से वापसी करेगी या समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी? आप पार्टी के पूछ रहे हैं कि मतलब जो हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं? मतलब जो भी होगा, जैसे पार्टी वाइज ही, तो कोई आएगा तो कामों के बल पे ही या उसके बल पे ही आएगा? अगर मेरी राय पूछिए तो मैं, मेरी यहीं पे मेरी मकान है, मेरा मकान है, और मैं अपनी उम्र में पहली बार मैंने देखा है कि कोई एक सरकार आया जो गली गली में काम कर, पहली बार कोई एक सरकार आया जो गली गली में काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, एक एक चीज़ पे कोई एक सरकार काम कर। मुझे न भाजपा से मतलब है, न सपा से मतलब है, न मुझे कांग्रेस से मतलब है, मुझे मतलब है कि मेरी जीविका जो सरकार रखेगी वो सरकार ही रहेगी, ठीक है ना? उसमें न मुझे कांग्रेस से कहना है, न सपा का कहना है, न भाजपा का कहना है, ठीक। मेरा ये एक विचार है, हम लोग साधारण आदमी हैं, साधारण आदमी का ख्याल रखने वाला जो नेता होगा वही हमारा नेता होगा। अभी तक बनारस में, मैं अपने लाइफ में बोल रहा हूँ, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, कितनी बार आए थे, और आज जो सरकार है वो आज बनारस में कितनी बार आ रहे हैं, यानी बनारस को वो उद्धार करना चाह रहे हैं, यानी वो बनारस के लिए सोच रहे हैं। ऐसे ही नगाने कितने शहर में वो सोच रहे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि यहाँ पे मेरी इस गली में पत्थर बैठे, यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा रहता था, ऊपर ताको तो महक, चारों तरफ गंदगी, आज कम से कम हम लोग स्वच्छ वातावरण में जी। तो मुझे किसी सरकार के ऊपर नहीं कहना, हमें ये कहना है वो सरकार है, जो भी आए सरकार, वो सरकार ऐसा है जो जन जीवन को सही तरीके से रखे। विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगा रही कि मोदी जी जब आए थे बनारस तो बोले कि बनारस को क्योटो बना देंगे, क्योटो बना दिए। एक बार मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, जो पार्टी कह रहा है वो आकर के देख ले कि उसने 47 साल में क्या किया था। जो भी पार्टी कह रहा है 47 साल में उसने बनारस को क्या किया था, और आज 5-10 साल के अंदर मोदी ने बनारस को क्या कर दिया। हम मोदी की नहीं बोल रहे, एक पार्टी के लिए बोल रहे हैं। कोई पार्टी आके ऐसे न्यूज चैनल में बैठ के बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। आके गली गली में देखे ना, कोई नेता आया है किसी गली में? नहीं आया। लेकिन कोई एक सरकार आया कि एक एक गली को सुधार, एक एक गली को सुधार। ये और लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए चाचा, आप दूध लेके आए हैं, काम कैसा चल रहा है आपका? अरे काम सब ठीक चल रहा है, दिक्कत नहीं है कोई चीज़ का। संतुष्ट है सरकार से? है? सरकार से संतुष्ट है? अब मस्त है, दुनिया में कौन चिंता करता है। अच्छा, आप बताइए सर, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है अभी, तो क्या लग रहा है किस पार्टी का माहौल आप लोग देख रहे हैं इस बार? माहौल तो बीजेपी का ही रहेगा, बीजेपी का ही देख रहे हैं। अब बताइए सर, क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, किस पार्टी का पक्ष में आप लोग माहौल देख रहे हैं इस समय? देखिए, कुछ किसी को कह नहीं सकता है इसको हम क्या कहेंगे। इस समय तो पब्लिक परेशान है, इस समय खान परेशान किस चीज़ से है? धंधा खत्म हो गया, जो लॉकडाउन हुआ इधर, कोरोना से परेशान लोग, बीमारी से परेशान, तो काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, किसी चल नहीं रहा, चाहे हमारा रहे चाहे कोई करे। और विकास कैसा बनारस? विकास तो बहुत 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 बढ़िया, विकास में कमी नहीं है। विकास तो इतना मोदी जी करवा दिए कि कोई आज तक करवाइबे नहीं, कोई पार्टी नहीं करवाई, जितना पार्टी नहीं करवाया, इतना खर्चा करा दिए बनारस में, कोई नहीं कराया, बहुत खर्चा किए, जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा खर्चा कर दिए। बाकी इस पर कंट्रोल नहीं है, जैसे अब देखिए ये सब सफाई हुआ है, यहाँ पर बालू
फालतू पड़ा है इसको हटा के सफा कराया जाए, कहीं कूड़ा है देखिए वहाँ पर है, इस सब पर ध्यान नहीं है। बस आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींच के थोड़ा सा उठा रहे हैं लेके चले जा रहे हैं। आजकल मोबाइल से फोटो खाली चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, खाली फोटो चल रहा है। हाँ, खाली फोटो ज़्यादा चल रहा है। आएंगे थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा करके फोटो खींचेंगे, हाँ इतना हमने काम कर दिया, लखनऊ तक उनका चला गया, सैलरी बन गया, काम हो चाहे ना हो, समझ लें कि नहीं। और तो विकास तो जैसे पेट से सभी अपना चला रहा है भाई, परिवार के लिए खट रहा है, चल रहा है, बाकी परेशान है, पब्लिक परेशान है। तो आप देख रहे थे जनता की राय, इस समय हम है बनारस में गदौलिया चौक के पास दूध मंडी में, है ना। और यहाँ पे जो लक्ष्मणपुरा जी, तो अभी तक जो जनता की राय है सरकार के पक्ष में है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।